प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों यू डैश प्लस 2023 डाटा एंट्री का कार्य प्रारंभ है। साथियों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है साथियों यू डैश प्लस 2023-24 का यहाँ पेज हमने ओपन किया साथियों, और यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल हैं साथियों। तीन प्रकार के मॉड्यूल हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल, प्रोफाइल फैकल्टीज और टीचर मॉड्यूल। ओके साथियों, तो यहाँ पे जो है यू डैश प्लस 2023 से संबंधित जो है हमारे वीडियो पे जो है हमारे चैनल पे जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं साथियों, और हमारे वीडियो को आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है साथियों स्टूडेंट मॉड्यूल दिया गया है और प्रोफाइल फैकल्टी और टीचर मॉड्यूल। तो स्टूडेंट मॉड्यूल में इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके पहले सेलेक्ट स्टेट करेंगे साथियों। इसके पहले जो है यहाँ पे सर्च बार पे जो है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे साथियों इस ऑप्शन पर क्लिक करके। मैं यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो है इस तरह का पेज ओपन हो चुका है साथियों। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ साथियों, मेरे कई वीडियो जो अपलोड किए जा चुके हैं यू डैश प्लस 2023-24 के संबंध में, डाटा एंट्री के संबंध में हमारे करीब जो है 15-20 वीडियो जो है हमने अपलोड कर दिए हैं साथियों अपने चैनल पर जो है। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हमारे अपलोड किए जाएंगे आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। ओके साथियों, तो चलिए यहाँ पे हम प्रोसेस शुरू करते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल जो है यहाँ पे जो है मेरे द्वारा जो है सभी छात्रों का जो है डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है साथियों। और यहाँ पे टीचर मॉड्यूल दिया गया है, तो टीचर मॉड्यूल पर भी मेरे द्वारा जो है डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है साथियों। अब यहाँ पे हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं साथियों। जैसे क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा साथियों। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको यूजर आईडी अपना नाम डालना है, यहाँ पे यूजर आईडी यानी अपने स्कूल का जो है डैश कोड और उसके बाद पासवर्ड। ओके साथियों, और यहाँ पे आप कैप्चा कोड फिल कर देंगे साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है कैप्चा कोड फिल कर देंगे मेरे द्वारा जो है यहाँ पे कैप्चा कोड फिल किया जा रहा है जैसा कि आप सभी को ज्ञात है। और यहाँ पे जो है हमने लॉगिन अभी कैप्चा कोड फिल कर दिया है और लॉगिन पे क्लिक करेंगे साथियों। जैसा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यू डैश प्लस 2023-24 में बहुत सारे ऑप्शन जो है इसमें अपलोड किया गया है साथियों। आप टीचर मॉड्यूल में देखिए साथियों, यू डैश प्लस टीचर मॉड्यूल में डाटा बेस जो है यहाँ पेज ओपन हो चुका है। और यहाँ पे क्लिक हेयर ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साथियों जो है सबसे पहले जो है टीचर मॉड्यूल या जो है पेज ओपन होगा साथियों। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और रेगुलर टीचर कितने हैं और नॉन रेगुलर टीचर। ओके साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंट में जो है सबसे नीचे जो है संख्या दी गई है 2 संख्या, यानी हमारे विद्यालय में 2 टीचर हैं साथियों। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इनकम्प्लीट दिया है यहाँ पे देखिए 0 दिखा रहा है, यानी मेरे द्वारा जो है प्रोसेस कर दिया गया है साथियों डाटा एंट्री का कार्य जो है, इसलिए यहाँ 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो है डाटा एंट्री करंटली एक्टिविटी, अब यहाँ पे ये एक्टिव है, डाटा एंट्री के लिए एक्टिव है साथियों। यहाँ पे इस तरह का जो है दिखाया जा रहा है आपको। और यहाँ पे ओवर स्टेटस नॉट मार्केट कम्प्लीटेड, यहाँ पे डाटा कम्प्लीट हो गया है साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है देख पा रहे हैं टोटल टीचिंग स्टाफ पोस्टन A-B, नॉन टीचिंग स्टाफ 0। ओके साथियों, अब मेरे द्वारा जो है टीचर का जो है डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट में जो है 0 दिखा रहा है। ओके साथियों, अब यहाँ पे जो है क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, यदि आपके द्वारा जो है टीचर मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया गया है, सभी जितने भी आपके विद्यालय में टीचर हैं सभी का डाटा एंट्री आप कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ इस तरह का एक मैसेज आएगा साथियों, स्कूल कंप्लीटेड कंप्लीशन स्टेटस। ओके साथियों, अब यहाँ पे देखिए रेगुलर टीचिंग स्टाफ 2, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ 0। ओके साथियों, और यहाँ पे रिमार्क लिखना पड़ेगा साथियों, और ये जो बॉक्स दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। और रिमार्क कॉलम में आप क्या लिखेंगे साथियों, इसमें आप लिख देंगे डाटा एंट्री, डाटा एंट्री ऑल टीचर कंप्लीटेड, ऑल टीचर कंप्लीटेड। ओके साथियों, इस तरह आप लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ नीचे दिया गया अपडेट स्टेटस, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। ओके साथियों, अब यहाँ पे एक मैसेज आया है कंफर्मेशन, आर यू श्योर टू अपडेट द स्टेटस, कैंसिल कंफर्म पे क्लिक कर दें। ओके साथियों, अब यहाँ पे देखें स्कूल स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है सबसे ऊपर। ओके साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो इस तरह जो है यहाँ पे मार्क कंप्लीटेड, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो इस तरह जो है आप अपने विद्यालय के जो है टीचर एंट्री डाटा आप
कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर भी आप सभी को इसी तरह जो है नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे। ओके साथियों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।